हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, अभी मैंने रिसीव किया ये गोरिल्ला पॉड जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया 3K, और ये मुझे 4500 का पड़ा है। तो ये मुझे स्टार्टिंग से ही लेना था जब मैंने कैमरा बाय किया था, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है तो मेरा मन नहीं मानता था। बट अभी मेरे पास कुछ कमीशन वर्क्स आए थे 4, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगा कौन कौन से वर्क्स हैं। तो उनके पैसे मैंने लगा के इनको बाय किया है, तो देखते हैं किस तरह से ये कैमरे में लगता है। सो गाइस, ये है मेरा कैमरा 200D कैनन का, जिसको मैं इसके साथ यूज़ करूँगा, जिसका वेट काफ़ी कम है। वैसे 3 किलो तक का उठा सकता है ये अपने ऊपर वेट, तो इसको निकाल सकते हैं और ये हम कैमरे में लगा देंगे। जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लग जाएगा ये। अब बस सिंपली इसमें लगा देते हैं इसको और ये सेट हो जाएगा अच्छे से। तो ये हो चुका है सेट। तो ये कुछ इस तरह का गोरिल्ला पॉड है जो कि हम व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इसका बॉल हेड है जो कि रेड दिख रहा है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, तो वो बेस्ट है। मेरे पास एक गोरिल्ला पॉड पहले भी था जिसमें बॉल हेड नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो अब ये काफ़ी बढ़िया, इसका बॉल हेड देख सकते हैं आप कितना मस्त तरह से ये घूम रहा है। अब मैं डिफरेंट एंगल पर भी काफ़ी अच्छे से शॉट्स ले सकता हूँ इसका यूज़ करके। एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि माइक, जो कि मैंने पहले ही ले लिया था जब मैंने कैमरा लिया था उसके बाद ले लिया था। तो ये रोड का माइक है, जो कि ये मैंने 4500 रुपये का ही लिया था, जो कि इसके साथ में यूज़ करूँगा, जिससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है आपको व्लॉगिंग में। इसको यहाँ पे लगाना है इस तरह से, कुछ इस तरह से ये घुमा के टाइट हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसकी वायर है, ये माइक वाली, इसमें ये लग जाती है। तो हाँ, अब ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा है। बस वाइड एंगल लेंस की कमी है, वो बाद में ले लेंगे, अभी तो मैं किट लेंस से ही व्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो देख लो कुछ इस तरह का लग रहा है कंप्लीट मेरा सेटअप अब व्लॉगिंग करने के लिए। और कैमरे की स्क्रीन फ्लिपेबल है, तो काफ़ी अच्छे से मैं खुद को भी देख सकता हूँ इस तरह से। सो अब ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हेलो एवरीवन, हेलो। और जो ये लेंस यूज़ कर रहा हूँ, ये तो किट लेंस ही है जो कि साथ में मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है मतलब व्लॉगिंग के लिए। वैसे होता तो वाइड एंगल है, बट वो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसी से कर लेंगे। बाय द वे, मैंने इसको बाय किया है कुछ कमीशन वर्क करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक वर्क्स तो ये है जो कि A4 साइज़ का है, एक ये है जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, और सेकेंड ये है। ये 4 वर्क्स एक ही बंदे ने ऑर्डर किए थे, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब मैंने ये बाय कर लिया। और तीसरा ये है, 3 तो इस तरह के ब्लैक एंड वाइट हैं, और एक कलर्ड है जो कि अभी आधा रहता है, मतलब यहाँ पे एक और बनाना है, एक और चेहरा और बनाना है। तो ये 4 वर्क्स हैं जो कि मुझे 4500 मतलब, तो मैंने ये बाय कर लिया। तो अभी थोड़ा रहता है, तो एक दिन और लगेगा इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मतलब खुद की मेहनत से कुछ बाय करने में इस तरह से। इनमें सबसे बेस्ट मुझे ये वाला लगा। और फिलहाल YouTube के लिए मैं एक वर्क और कर रहा हूँ, जो कि ये है, काफ़ी डिटेल्ड है। इसको ड्रॉ करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, जो डिटेलिंग वगैरह है इसमें। तो उसमें मैंने ओनली ग्रेफाइट का यूज़ किया है, आर्टो के 180 GSM पेपर का, जो कि रफ़ होता है। तो इसमें भी टाइम लगेगा, आई थिंक रात तक कम्प्लीट हो जाए। इस गोरिल्ला पॉड से मैं अपनी ड्राइंग की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा, इस एंगल से कर पाऊँगा। ओवर हेड तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें जो ये बॉल हेड है, उससे मैं इस तरह के शॉट्स ले सकता हूँ। अब जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रही है जोबी के गोरिल्ला पॉड से। तो देख लो कितना मतलब अच्छे से, बिल्कुल भी शेकी सा नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छे से कॉम्पैक्ट है, तो हाथों में काफ़ी अच्छे से आ रहा है, और ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल अच्छे से पकड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल भी शेकी सा आपको अफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसी टाइप का चाहिए था मुझे व्लॉग करने के लिए। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी शेकी होगा, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छे से हाथ में ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल भी शेक नहीं कर रहा होगा। और अभी मेरे पास वाइड एंगल नहीं है, वाइड एंगल में आपको पूरा पीछे का जो मेरा बैकग्राउंड वगैरह वो काफ़ी अच्छा दिखता है, वाइड एंगल लेंस जो कि 17000 तक का है। तो वो भी लेना है मुझे, वो मैं बाद में लूँगा, अभी इतना बजट नहीं है, अभी तो मैंने ओनली यही लिया है। तो अभी तो इसी से कर लेंगे, अभी इसी से काम चला लेंगे, बट जब थोड़े बहुत बजट बढ़ेगा तो सपोर्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, लेंस भी ले लेंगे। तो इन वर्क्स को कंप्लीट करने मुझे 4-5 दिन लगे कंप्लीट, जो भी कमीशन वर्क्स हैं, और एक तो अभी आधा रहता है, तो उसको भी 1-1.5 दिन लगेगा, क्योंकि कलर्ड में, जैसे कि आपने देखा, तो कलर्ड में काफ़ी टाइम लगता है। तो कंप्लीट मुझे 4500 पड़ गए, तो मैंने ये मंगवा लिया। और मेरे पास पहले था, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मेरे पास ये वाला था जो कि आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भारी भी है, और इसके जो ये है, इसके ऊपर बॉल हेड भी नहीं है, इसके ऊपर बॉल हेड भी है, और ये एक अच्छी कंपनी का है, मतलब इससे बढ़िया कंपनी आई थिंक कोई और नहीं है गोरिल्ला पॉड में, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बाय किया 3K। और ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी सा था, और पकड़ा भी ज़्यादा अच्छा हाथ में, देखो किस तरह से है। तो ये मुझे ये मेरे को लेना था, और ये मैंने 500 रुपीज़ का लिया था दिल्ली से,
बट ये 5000 का तो काफ़ी फ़र्क है दोनों में, और ये ब्रांड भी काफ़ी बढ़िया है। बस ऐसे ही मैं अपने टूल्स गियर्स को अपग्रेड करता हूँ, इसी तरह से कमीशन वर्क मिलते हैं, थोड़ी बहुत अर्निंग करता हूँ तो मैं अपग्रेड कर लेता हूँ। जो भी मेरे पास है मैंने सब खुद बाय किया धीरे धीरे करके, और ये मैंने अब बाय किया लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको व्लॉग्स में यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छे से यूज़ हो पाता है ये। सो गाइस अब मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा जो भी नाइट किंग वाली है, और इसकी वीडियो कल ही अपलोड करूँगा क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, इसको रात को मैं अपलोड करता नहीं हूँ, तो इसको कल मैं सुबह सुबह अपलोड करूँगा। आज कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, और कमीशन वर्क्स भी करने हैं, इसके बाद मुझे दो और बनाने हैं तो वो भी बनाने हैं, और मैंने ये बोल दिया कि तीन अब की बार तीन कम सब्सक्राइबर द मंथ बनाऊँगा वो भी बनाने हैं, और तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, इसीलिए ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं क्योंकि कमीशन वर्क्स भी कर रहा हूँ बहुत सारे हैं, और ऊपर से ये तीन सब्सक्राइबर द मंथ भी है वो भी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक, चूज़ भी नहीं किए, तो वो भी करने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत टेंशन सी हो रही है। तो क्या जब ब्लॉग्स थोड़े कम आएंगे क्योंकि मुझे एक तीन तो सब्सक्राइबर द मंथ बनाने हैं जो कि 25 को मुझे गाँव जाना, तो उससे पहले मुझे बना के जाने पड़ेंगे ताकि मैं वहाँ अपलोड कर सकूँ वीडियो, और तीन कमीशन वर्क्स करने हैं और वीडियोज अपलोड करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि मैं ज़्यादा व्लॉग्स बना पाऊँगा को कभी इस तरह से बना दूँ कोई वीडियो बनानी होगी तो, बट अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि 25 को मुझे जाना है गांव में, तो वहाँ तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए अब मुझे सारे बैकअप वगैरह करने हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, तो वो सारा काम करना है और कमीशन वर्क। अब क्या मैंने बोल दिया ना तीन सब्सक्राइबर दो मंथ बनाने, तो वो थोड़ी लग रही है, अच्छा वो पाँच नहीं बोला, सर पाँच बनाऊँगा, तो भी जल्दी जल्दी बहुत काम करना है। सो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे अभी वो ड्राइंग भी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तीन कमीशन वर्क करने हैं, तीन सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है, तो वो कम करना है, तो उससे पहले आई डोंट थिंक कि मैं कोई व्लॉग बना पाऊंगा। अब मुझे गांव जाना है तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो गाइस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।